अब आपके नगर देवरी में लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जनरल हॉस्पिटल पूर्ण प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। पता याद रखें, विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तिराहा देवरी। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभाओं में उपचुनाव के चलते हर दिन सियासत गर्म हो रही है। प्रदेश की दो विधानसभा इंदौर की सांवेर और सुरखी विधानसभा में पूरे प्रदेश की नजर टिकी है। सांवेर से तुलसी सिलावट और सागर जिले से गोविंद सिंह राजपूत की जीत हार पर इस प्रदेश की जनता की निगाह टिकी है। दोनों भाजपा के कद्दावर मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े करीबी समर्थक बताए जाते हैं। सागर जिले की सुरखी विधानसभा में भाजपा की तरफ से भाजपा पूर्व विधायक पारुल साहू और सुरखी क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर की मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से तलखियां हैं। बीते दिन राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने सागर एक्सप्रेस न्यूज से इंटरव्यू में जो मंत्री जी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में हलचल मची है। भाजपा सूत्रों के हवाले से खबर है कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर से उनके घर में जाकर मुलाकात की है और उन्हें मनाने की भरसक कोशिश की है। यह मुलाकात इतने गुपचुप तरीके से हुई कि किसी को कानो खान खबर नहीं लगी। इस मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। बीते कई सालों से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और राजेंद्र सिंह मोकलपुर के बीच तलखियां रही हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल मास्टरमाइंड मंत्री भूपेंद्र सिंह लगातार भाजपा के नाराज नेताओं को मना रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह ने नाराज पारुल साहू को उनके घर में जाकर मनाया था और उनसे मुलाकात की थी। सुरखी विधानसभा में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है। इस क्षेत्र की तासीर भी यही कहती है कि यह कांग्रेस मिजाज की सीट है। ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत को अगर चुनाव जीतना है तो भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का उनको साथ चाहिए। साथ ही इन दोनों नेता पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मोकलपुर जैसे नेताओं का भी साथ बेहद जरूरी है। दोनों मंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर के यहाँ जाना भाजपा पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन अगर यह दो बाजीगर बिगड़ गए तो भाजपा की भी बाजी बिगड़ सकती है। जयदीप चौरसिया के साथ भूपेंद्र शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सुर्खी। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।